आज हम आपके पास लेकर आए एक नया टॉपिक, सीएनजी कंपोनेंट के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। सीएनजी कंपोनेंट, उससे पहले जानना होगा सीएनजी होता क्या है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी मार्केट में सीएनजी से गाड़ी चल रही है और सीएनजी से जो गाड़ी चलती है उस गाड़ी के अंदर सीएनजी रिलेटेड जितना सारा कंपोनेंट है उसका फैमिलियराइजेशन आपसे साथ में करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल के बारे में। ये फ्यूल टैंक, जिसको हम सिलेंडर सीएनजी सिलेंडर बोलते हैं, ये है सीएनजी सिलेंडर। ये है सीएनजी सिलेंडर। ये सिलेंडर जो है इसके अंदर फ्यूल यानी सीएनजी गैस स्टोर रहता है। ये ईसीयू है जिसका काम होता है पूरा कंपोनेंट को, जितना सारा सेंसर और एक्चुएटर है उन सभी को कंट्रोल करना। और ये कॉमन रेल हम बोलते हैं। कॉमन रेल का काम क्या होता है, इसके अंदर फ्यूल सप्लाई आता है कहाँ से, ये रेगुलेटर से। इसका नाम दिया गया हाई प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। ये हाई प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का काम होता है, यहाँ से फ्यूल को सप्लाई किया जाता है कॉमन रेल की तरह। फिर कॉमन रेल से जो इंजेक्टर लिखा हुआ नीचे आप देख पा रहे हैं, इसी को अलग से दिखाया, यह है इंजेक्टर। ये इंजेक्टर है, इसी इंजेक्टर से फ्यूल स्प्रे होता है इंटेक मैनिफोल्ड में। क्लियर। इंटेक मैनिफोल्ड में स्प्रे होने के बाद क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्स होने के बाद इंजन का अंदर घुस जाता है। जब पिस्टन टीडीसी कंप्रेशन स्ट्रोक में रहता है तब ये ईसीयू क्या करता है, ये ईसीयू इसको सिग्नल देता है एसटी कॉइल को। इसका इग्निशन कॉइल बोल सकते हैं। ये इग्निशन कॉइल का काम है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करना। तो ये इग्निशन कॉइल क्या कर रहा है, स्पार्क प्लग में हाई वोल्टेज करंट सप्लाई दे रहा है। ये स्पार्क प्लग हाई वोल्टेज करंट सप्लाई देने के बाद स्पार्क प्लग इंजन का अंदर कंबशन चैम्बर में स्पार्क कर देता है। तब क्या होता है, स्पार्क प्लग स्पार्क करने के बाद आग जल जाता है और पावर बनता है। ऐसे सीएनजी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है। और एक कंपोनेंट छूट गया, ये है OMB सिलेंडर वाल्व। ये सिलेंडर के साथ फिट रहता है। ये सीएनजी सिलेंडर जो इसका अंदर जो गैस रहता है उसे गैस को लॉक करने के लिए, ओपन करने के लिए, जब चाहे आप उसको लॉक कर सकते हो, गैस को सील कर सकते हो वाल्व ओपन और क्लोज करके। और ये एक पॉइंट है जिसको इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी बोला गया। अभी मार्केट में डीजल व्हीकल में और भी बहुत सारा गाड़ी जैसा पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल, हर जगह में इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन थ्रोटल बॉडी में क्या होता है, ईसीयू के साथ कनेक्शन रहता है। जब हम एक्सेलरेटर पेडल दबाते हैं तब क्या होगा, इसी का अंदर, ये थ्रोटल बॉडी का अंदर एक छोटा सा गोल वाला बटरफ्लाई प्लेट रहता है, पीतल वाला, उसी प्लेट खोल जाता है। कितना प्लेट खोला उस हिसाब से क्या होता है, ईसीयू रेगुलेटर को इन्फॉर्म करते हैं, जो सीएनजी सोलेनाइड है उसी सोलेनाइड को इन्फॉर्म करते हैं, उस हिसाब से सोलेनाइड क्या होता है, खुल जाता है और गैस उतना ही चले जाता है कॉमन रेल में और उस हिसाब से इंजेक्टर स्प्रे करने लगता है। तो पूरा पूरी डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी का इंफॉर्मेशन का अनुसार ईसीयू कंट्रोल करता है। ऐसे एक सीएनजी व्हीकल का अंदर कंपोनेंट काम करता है। अगर किसी का इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर सीएनजी रिलेटेड कुछ भी समस्या हो रहा है आपके साथ डायग्नोसिस करने के टाइम, या कोई नया इशू आपको मिला, ऐसा कुछ भी समस्या आपको मिला तो कमेंट में जरूर बताइए। उसके लिए मैं आपको नया वीडियो बना के सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नया हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।